घनश्याम भूरिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 पीएलएम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित होता है। बंगाल का शासक मीर कासिम पराजित होता है और अंग्रेज इस युद्ध में विजयी रहते हैं। और इस युद्ध में विजय होने के पश्चात अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभुत्व मजबूती से स्थापित हो जाता है। क्योंकि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, अंग्रेजों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो कि अली बर्दी खां के देवता थे, विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर अंग्रेजों में सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष छिड़ता है। इस संघर्ष में अंग्रेज विजयी रहते हैं और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लड़ता हुआ पराजित होता है और मारा जाता है। इस युद्ध के पश्चात जो अंग्रेज हैं बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा रखी गई बंगाल के अंदर वह बक्सर के युद्ध में मजबूती से बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के जो चरण प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों में सिराजुद्दौला के मध्य जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है। दूसरा बक्सर का युद्ध जो कि बक्सर के मैदान में लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं। बक्सर के युद्ध का जो नेतृत्व है अंग्रेजों की तरफ से मेजर मुनरो के नेतृत्व में किया जाता है, जबकि प्लासी का जो युद्ध था वह क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्लासी और बक्सर दोनों ही युद्धों में अंग्रेज विजयी रहते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण घटनाएं और परिणाम की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बक्सर के युद्ध के विभिन्न कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम रहे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ एक समझौता किया था जिसके अनुसार मीर जाफर को सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नया नवाब बनाया जाएगा। इस लालच में आकर ही मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति रहे वह अंग्रेजों के पक्ष में जा मिलता है और युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर के द्वारा विश्वासघात किया जाता है और उसके पुत्र मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेज षड्यंत्र के द्वारा विजयी रहते हैं और विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वे अर्थात अंग्रेज इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस युद्ध में विजय होने के बाद अंग्रेज जो मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं, परंतु मीर जाफर जो कि एक अयोग्य दुर्बल साहसहीन व्यक्ति था उसकी अयोग्यता और दुर्बलता के कारण ही जो प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और साम्राज्य में अशांति व्यवस्था स्थापित हो जाती है।
मीर जाफर ने अंग्रेजों को विपुल मात्रा में धन दिया था। कहा जाता है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए अपने घर के सोने चांदी के बर्तन तक बेच दिए थे, फिर भी अंग्रेजों की भूख शांत नहीं हुई और मीर जाफर से वे निरंतर धन की मांग करते रहे थे। जब मीर जाफर अंग्रेजों की धन संबंधी मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया तो अंग्रेज मीर जाफर से नाराज हो गए और वे उसे गद्दी से हटाकर ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना चाहते थे जो कि उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे। अतः अंग्रेजों ने अब मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद अर्थात मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बिठाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बनाते हैं, लेकिन जब मीर जाफर अंग्रेजों की धन संबंधी मांग पूरा करने में असमर्थ होता है तो फिर ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाने का प्रयत्न शुरू करते हैं और मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। तो इस प्रकार 27 सितंबर 1760 को 27 सितंबर 1760 को अंग्रेजों में मीर कासिम के बीच एक समझौता होता है। जिसकी शर्तें निम्नलिखित रही थी। नंबर एक, मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था बंगाल का नया नवाब बनाया जाएगा। नंबर दो, दूसरी शर्त, मीर कासिम अंग्रेजों को मिर्दानपुर वर्तमान और चिट्टगांव के प्रदेश देगा। मीर कासिम अंग्रेजों को मिर्दानपुर चिट्टगांव तीसरी शर्त, मीर कासिम अंग्रेजों को दक्षिण के युद्धों के लिए 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम अंग्रेजों को
अंग्रेजों को दक्षिण के युद्धों के लिए। दक्षिण के युद्धों के लिए 5 लाख रुपए देगा। वीर दासी अंग्रेजों को दक्षिण के युद्धों के लिए 5 लाख रुपए देगा। चौथी शर्त, अंग्रेजी कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। अंग्रेजी कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। पांचवी शर्त, मीर कासिम कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों के लिए। मीर कासिम कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए देगा। 25 लाख रुपए कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए उपहार के रूप में देगा। इसके अलावा जो मीर कासिम है अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा। अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा। वीर काशी अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया था, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों में मीर जाफर के मध्य मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अतः शीघ्र ही दोनों में तनाव की स्थिति बढ़ने लगी। जब मीर जाफर अंग्रेजों की धन संबंधी मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया, तो फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाने का निश्चय कर लिया और उसके साथ भी एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ कुछ शर्तें रखी। इसका जो पालन है मीर कासिम को करना अनिवार्य था, जैसा कि पहली शर्त, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाएगा। दूसरी शर्त, मीर कासिम अंग्रेजों को मिर्दानपुर, चिट्टगांव व बर्दवान के प्रदेश दे देगा। तीसरी शर्त, मीर कासिम अंग्रेजों को दक्षिण के युद्धों के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त देगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पांचवी शर्त, मीर कासिम कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए देगा। इसके अलावा मीर कासिम जो है अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा, और जब तक मीर कासिम
इन शर्तों का पालन करेगा तब तक अंग्रेज उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा भी करेगी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाने का निश्चय कर लिया और मीर कासिम के साथ एक समझौता किया गया। इसकी शर्तें निम्न प्रकार से थी। तो अंत में मीर जाफर को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया और उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन दे दी गई। इसके पश्चात मीर जाफर जो है कलकत्ता की ओर चला जाता है। 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बनता है। 20 अक्टूबर 1760 को 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बन जाता है। इसके पश्चात नवाब बनते ही मीर कासिम जो कि स्वतंत्रता पूर्वक आसन करना शुरू कर देता है और वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता। अतः नवाब बनते ही मीर कासिम जो कि स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करना शुरू कर देते हैं, परंतु अंग्रेज मीर कासिम के इस व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते और इसे सहन नहीं कर पाते। अतः शीघ्र ही अंग्रेजों व बंगाल के नए नवाब मीर कासिम के मध्य संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अंत में 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में अंग्रेजों व मीर कासिम के मध्य युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहते हैं और मीर कासिम लड़ता हुआ पराजित होता है और बंगाल पर मजबूती से ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है। इस युद्ध का जो नेतृत्व है अंग्रेजों की ओर से मेजर मुंडरों के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों में मीर कासिम के बीच विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं बक्सर के युद्ध के क्या कारण रहे थे। बक्सर के युद्ध के कारण पहला कारण था मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति। नंबर एक था मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति जो कि अंग्रेज सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाए रखना जो कि उनके हाथों की कठपुतली बन के रहे और उनके आर्थिक उद्देश्यों हितों की पूर्ति भी करता रहे। मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति अंग्रेजों में मीर कासिम के मध्य तनाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण था। मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति जिसे अंग्रेज सहन नहीं कर पाए। दूसरा कारण था मीर कासिम द्वारा अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना। मीर कासिम द्वारा अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना तीसरा कारण जो था युद्ध का वह था अंग्रेजों के प्रति संदेह। मीर कासिम का अंग्रेजों के प्रति संदेह की बात अंग्रेजों के प्रति संदेह
बक्सर के युद्ध का वह था प्लासी की पराजय का बदला लेना। अर्थात वीर कासिम प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय से प्रसन्न नहीं था, अतः वह प्लासी के युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहता था। प्लासी की पराजय का बदला लेना नेक्स्ट है हिंदू जमींदारों का दमन वीर कासिम के द्वारा किया जाना जो कि अंग्रेजों के समर्थक थे। हिंदू जमींदारों का दमन हिंदू जमींदारों का दमन नेक्स्ट है व्यापारी सुविधाओं का दुरुपयोग अंग्रेजों के द्वारा किया जाना व्यापारी सुविधाओं का दुरुपयोग अंग्रेजों द्वारा किया गया, इससे भी कासिम नाराज हुआ अंग्रेजों से। व्यापारी सुविधाओं का दुरुपयोग नेक्स्ट है भारतीय व्यापारियों को मीर कासिम के द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की छूट देना। भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार की छूट देने वीर कासिम के द्वारा इससे अंग्रेज वीर कासिम से नाराज हो गए। भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार की छूट देना वीर कासिम के द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज मीर कासिम से नाराज हो गए थे और दोनों के मध्य संघर्ष अर्थात बक्सर नामक युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो कारण है मीर कासिम है अंग्रेजों के बीच संघर्ष निम्न कारणों के परिणाम स्वरूप ही मीर कासिम में अंग्रेजों के मध्य संघर्ष छिड़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप बक्सर के मैदान में अंग्रेजों में मीर कासिम के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं और मीर कासिम लड़ता हुआ पराजित होता है। बक्सर के युद्ध के निम्नलिखित कारण जिसकी विस्तार से जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से हाजिर होंगे बक्सर के युद्ध के कारणों को विस्तार रूप में जानेंगे, साथ साथ इसके युद्ध के क्या परिणाम रहे इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।